Bitcoin's price is soaring as the digital gold recently crossed $35,000 mark. Now, all thanks to Bitcoin Spot Bitcoin ETF, iShares listing news. खैर अभी तक तो Spot Bitcoin ETF को SEC का green signal नहीं मिला है, but recent news को देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब approval मिल जाएगा. Now, this video is important for you to understand कि आखिर Spot Bitcoin ETF होता क्या है और ये काम करता कैसे है, and why Bitcoin ETF is crucial for the crypto industry. Let's find out together. सबसे पहले शुरू करते हैं इस पॉइंट से कि ETF आखिर होता क्या है. ETF यानी exchange traded funds, pooled investment securities होते हैं जो mutual funds की तरह ही ऑपरेट करते हैं. Typically ETFs will track a particular index, sector, commodity or other assets. But unlike mutual funds, ETFs can be purchased or sold on a stock exchange, the same way that a regular stock can. ETFs को investment companies लेकर आती हैं, जो regulatory body के rules के according registered होती हैं. ये companies investors को money pool करने का option देती हैं एक ही fund में. तो एक major benefit जो ETFs का होता है, वो ये है कि जब आप एक ETF में invest करते हो, तो उस fund में जितने भी assets, bonds या stocks हैं, आप उन सब को मार्केट आवर्स में ट्रेड कर सकते हैं. और काफी बेसिक सी बात है कि अगर ट्रेडिंग के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो रिस्क भी काफी कम हो जाएगा, एंड इट विल आल्सो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. नाउ वन क्वेश्चन जो सबको आता है, Anyone can trade Bitcoin? That's the point of an open protocol like Bitcoin, right? तो ये दूसरे alternatives में time और energy लगाने का क्या मतलब है? और क्यों spot Bitcoin ETFs के around इतनी ज़्यादा hype है? जब वो already खरीदे जा सकते हैं free market. तो अब अगर spot Bitcoin ETF आता है, तो investors Bitcoin के price movement से profit बना पाएंगे, वो भी बिना actually Bitcoin को own या फिर store करे. जिससे एक major benefit जो मिलेगा traders को, वो ये है कि investors को Bitcoin की storage और safety की tension नहीं लेनी पड़ेगी. So, आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट ऊपर नीचे भी होगा, पर इन रियलिटी यू विल जस्ट हैव एन एग्रीमेंट ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ दैट बिटकॉइन इन द मार्केट, बट नॉट एक्चुअल बिटकॉइन व्हिच नीड्स टू बी स्टोर्ड एंड केप्ट सेफ. तो आप ये देखिए कि अब जब जो मार्केट में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता था, वो स्पेसिफिकली बिटकॉइन खरीदता था, जो कंपैरेटिवली काफी लिमिटेड है किसी भी स्टॉक के मुकाबले. पर अब जब बिटकॉइन ETF आ जाएगा, तो इन्वेस्टर्स को एक रेगुलेटेड फॉर्म में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, जिससे बिटकॉइन अडॉप्शन बढ़ेगा और बिटकॉइन की प्राइस में भी चेंज देखने को मिलेगा. इन द केस ऑफ ब्लैक रॉक ETF एप्लीकेशन, much of the excitement is tied to the fact that it's the largest asset manager in the entire world that did the filing and is now interested to move deeper into the crypto markets. Now let me just remind you ki BlackRock duniya ka sabse bada asset manager hai, jo ki in total 9 trillion worth of assets manage karta hai. Now let's talk about why it is important. Mainstream integration. Bitcoin ETF crypto assets ko mainstream exchanges par formal recognition dega, jisse ki crypto aur traditional finance worlds ke beech ka jo gap hai wo bridge ho sakega. Broad market reach. Bitcoin ETF existing crypto market ki reach ko बढ़ाने में हेल्प करेगा, जहां अभी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैंडल करते हैं, ये नंबर बिटकॉइन ETF के बाद और बढ़ने के बहुत चांसेस हैं. पब्लिक वैलिडेशन. क्रिप्टो इंडस्ट्री को काफी बैकलैश मिलता है, जिसमें काफी बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ने इसे स्कैम की तरह कह दिया है. लेकिन जब बिटकॉइन ETF मेजर एक्सचेंजेस जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, तो ये बात क्लियर कर देगा कि क्रिप्टो कोई स्कैम नहीं और क्रिप्टो इंडस्ट्री को और ज्यादा रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा. एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी. अभी थोड़े देर पहले जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि काफी सारे इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना एक टफ प्रोसेस है, वहीं बिटकॉइन ETF इसे और इजी कर देगा. इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन का डायरेक्ट एक्सेस तो मिलेगा, लेकिन उन्हें उसे खुद खरीद कर होल्ड करने की जरूरत नहीं होगी. ये मेजर एक्सचेंजेस पर ट्रेड होगा, जिससे इसे सेल और बाय करना भी और एक्सेसिबल हो जाएगा. लेजिटिमेसी पैरिटी. क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में लेस सिक्योर और मोर लेजिमेट माना जाता है, जिसकी वजह से क्रिप्टो में रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी काफी कम है. लेकिन जब ट्रेडिशनल एसेट्स और क्रिप्टो एसेट्स साइड बाय साइड सेम एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे, तो ये डाउट भी लोगों का क्लियर हो जाएगा. अब स्पॉट बिटकॉइन ETF कब आएगा, देखो ये तो किसी को नहीं पता, इसका आंसर सिर्फ SEC को पता है. बाकी आपको क्या लगता है, ये ETF अप्रूव होगा या फिर नहीं, और अगर अप्रूव होगा तो बिटकॉइन की प्राइस कितनी जा सकती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू CoinEx.